Hey guys, assalamu alaikum. You're watching me on Fusha Magazine and I'm Rabia and I have Kefi Khaleel with me. अगर आपने कैफी का इंटरव्यू हमारे चैनल पे अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखिए क्योंकि आपको बहुत मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी. अब कैफी हमारे स्टूडियो में है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उन्हें हमें कुछ गाना सुनाए बगैर जाने दें. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे जहन में था कि हम ये मैशअप कराएंगे और वो मैशअप कराएंगे, किशोर रफ़ी, सजाद अली एंड स्ट्रिंग्स एंड चांदनी रातें और पता नहीं क्या क्या. मैं बड़े उससे दे रही हूँ तो कैफी ने कहा वो अमजद इस्लाम अमजद का कुछ कलाम है ना, मैं उसको सुनाता हूँ, वो खुद ही आ जाएगा. सो राइट नाउ कैफी हमारे लिए कुछ यहाँ इधर बैठे बैठे ही क्रिएट कर रहे हैं जो आज हम भी पहली बार सुनेंगे और आप लोग भी शायद पहली बार सुनेंगे. सही कहा मैंने कैफी? जी. इंटरव्यू कैसा गया वैसे आपका? अच्छा. चले ओके, तो हम स्टार्ट किससे करें? ऑफ कोर्स कन्ना यारी तो हमने सुनना ही सुनना है और कहानी सुनो, ये दो तो होंगे ही होंगे राइट. उसके अलावा आप हमें कुछ बता दें. मैं कुछ भी गा लेता हूँ, आप सुनिए. सॉरी, अभी कुछ भी गा रहे हैं और हम सुनेंगे उसको. आपने कुछ चेंज किया? हाँ, कुछ हल्का सा. तो आप हर बार गाते हैं, आप कुछ चेंज करते हैं? हाँ, कुछ आ जाता है बस नेचुरली. हाँ. वो हो जाता है चेंज. मुझे लगता है मेरे जैसा इंसान तो नहीं बता पा सकेगा लेकिन जो एक्सपर्ट होंगे वो शायद बता सकें कि यहाँ कोई धुन चेंज हुई है या कुछ. हाँ. नेक्स्ट वन. Thank you.
कर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। तुम तो खुद भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त हो आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे क्या खुदा भी उसका था। वो चलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, तेरे कुर्बान है मरने वाले। जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुंह छुपा दे। छलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। आप कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए। कितना ऑनर है, हम तो हमारे तो मजे हो गए भैया। तो ये जबरदस्त। अभी इसी तरह की एक और कोई चीज इसी तरह की सुनेंगे या कनायारी इस तरह की? तो आपके ऊपर, हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। दुनिया जोली च
कभी बातें दस्तावेजानी दस्तावतियानी बजमिल मया संगत बहस वादा बहारानी मर्दम वतारानी परचा मजानी रंदा मकन तो जाना मारा शिगानी शुक्रिया बहुत। थैंक यू। मुझे पता है क्या सबसे अच्छी बात लग रही है, आप ओरिजिनल्स गा रहे हैं, आप सारा अपना गा रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में इस चीज़ की। सो आई एम क्वाइट हैप्पी दैट यू क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन। हालांकि हम कह रहे थे मैशअप कर लें, ये वो कर लें, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना गाऊँगा। एंड मैं जब सुन रही थी तब मुझे ये बात हिट की कि विच इज़ अ ग्रेट थिंग। असल में मेरे साथ यही सीन है, जो माहौल के साथ मैं डल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता कि कुछ याद हो उसको करना है, फिर वो नहीं निकलेगा वैसे। अब ये सारा ये माहौल सारा आप लोगों ने क्रिएट किया है। जी इस तरह एक ऑडियंस है उस साइड पे जो आप, ये आपके लिए है। शुक्रिया। जलश के तो हम शेर कहा मस्त तो जिनकी तई द्रोहे अदमस्त तो जिनकी तई द्रोहे अदमस्त दिल मस्त बदन मस्त अनार मस्त निगाह मस्त तो जिनकी तई द्रोहे अदमस्त तो करे मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे मेरे लिए वो सहे दुनिया के ताने धक्के नंगे पैरों से सहराओं के कांटे चके मुझको पाने के लिए जून के रोजे रखे मैं हूँ दीवाना वो दीवानों से इजहार करे मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे मर्ची कितनी आह गेरू चिंत मनी जान मर्ची कितनी आह गेरू चिंत मनी जान मन मस्त मनीषार दरा बहावा मां तो वंची जन आपको याद था। याद था। थैंक यू। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। ये सॉन्ग मेरा खुद भी बहुत पसंदीदा सॉन्ग है। ये मेरा पर इसको महसूस करना आपने किया मतलब बड़ी बात है। इसके मीनिंग्स अभी आपको पता नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बीच का बोला वो तो इतना खूबसूरत था। वो वसीशा का एक नज़्म था मैंने पढ़ा था कहीं पे तो याद था बस बन गया। नहीं शुक्रिया। जब उन्होंने गाना शुरू किया मैंने कहा ओ इनको याद था इंटरव्यू में मैंने नहीं इंटरव्यू नहीं उससे पहले मैंने पहले बताया था हम बात कर रहे थे तो मैंने मेंशन किया था कि मुझे ये वाला गाना आपका बहुत पसंद है और मुझे उसके लिरिक्स सही तरह नहीं समझ आते हैं फिर भी मैं उसको सुन रही होती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग एंड सिंगिंग दिस स्पेशली फॉर मी। मेरी ईद हो रही है भाई। ये जो लिरिक्स था इसका मर्ची की तई आहगे रोचिंत मनी जान आज के आपके आने का दिन है मेरी जान
मैं मस्त मेरे शहर की सब आब आबो हो मस्त. वाओ या और इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन भी गाने की इंटरव्यू में दी है कैफी ने. ये बहुत बेहतरीन पोएट्री, बहुत अच्छी पोएट्री, बहुत खूबसूरत. और आपने गाया इतना कोशिश किया है. थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना टाइम निकाला और इतना खूबसूरत हमें ये गाने का ये सेशन भी किया हमारे साथ और इसमें कुछ आपने स्पेशली हमारे लिए गाया. सो रियली मींस अ लॉट एंड थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जफा है सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो